तो रमजान के फ्रूट की शॉपिंग हो गई। अब्बा यहाँ पे पकड़े सामान, मेरे हाथ में भी फ्रूट्स, अम्मी का है, अम्मी के हाथ में भी फ्रूट्स। वेलकम टू माई व्लॉग। शॉपिंग बज रहे सुबह के 9 और मैं आया हूँ मेरे अम्मी और अब्बा के साथ में फ्रूट मार्केट, क्योंकि अभी है ना कल से रमजान स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग है ना एकदम जो मुंबई की जो सबसे बड़ी जो होलसेल मार्केट है फ्रूट मार्केट, वहाँ पर है। ये अम्मी, ये है अब्बा। आ चुका हूँ मार्केट के अंदर और ये यहाँ की मार्केट। क्या देखते हुए आ रहे हो तुम? फ्रूट पूरी मार्केट है ये देखो। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो अभी कल से रमजान स्टार्ट हो रहा है ना, तो वही फ्रूट ही देखना है हम लोग, क्योंकि मुंबई की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है फ्रूट की। अब्बा भी वहाँ पे एकदम मजे चल रहे हैं। हम लोग इतना घूम गए यहाँ पे, अभी बोलते हैं कि खाली होलसेल मार्केट है, मेरे को नहीं लगता ये होलसेल मार्केट है, महंगा महंगा है ना। हाँ और इधर आ चुके आम, मैंगो भी है लेकिन आम भी बहुत महंगे, 3,500-4,000 रुपए की पेटी बोल रहे हैं आम की। अब्बा कुछ देख रहे हैं यहाँ पे। अंगूर 850 रुपए का, वो कितना 10 किलो 10 किलो 850 रुपए का। आम भी बहुत महंगा है, लेकिन खाली बोलते हैं होलसेल मार्केट है लेकिन तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अभी तक हम लोग को एक भी फ्रूट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला ना अपने को, महंगा है महंगा, रमजान आने से पहले ही महंगा हो गया सब। अब्बा भी भटक रहे। अम्मी यहाँ, अम्मी के हाथ में थैली है लेकिन अभी तक कुछ मिला भी नहीं। अंगूर, चीकू भी है वहाँ पे, देखो चीकू पूछो कितने का। अम्मी यहाँ पे भाव निकाल रहे चीकू का, 600 रुपए का 10 किलो, बाप रे। तो अम्मी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे? खाली है इधर, कुछ भी नहीं है। अरे है इधर कुछ भी नहीं है, अंदर है लेकिन बहुत महंगा है। आधा घंटा हो गया हम लोग को ढूंढते हुए लेकिन हम लोग को मिल रहा ना, क्योंकि पूरा होलसेल मार्केट और रिटेल में कोई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे। क्या करेंगे अभी, कहाँ ढूंढेंगे? ये इधर इधर चल के देखते हैं ना, इधर 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 अंदर। हाँ अरे हाँ, तो इधर ही मार्केट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। अब्बा कुछ बोल रहे, अब्बा बोले यहाँ से जाएंगे। अनानास दिखा, अनानास, अरे अंदर अनानास नहीं दिखा, यहाँ पे अनानास दिखा। बेचने के लिए क्या? ये सब अंदर है क्या? तो भाई बोल रहे जी वाले इसमें जाओ सेक्शन में, वहाँ पे सब मिलेगा। अनानास काफी टाइम के बाद देखने मिला यहाँ पे, तो चलो देखते हैं अनानास। अरे बहुत ज्यादा महंगा है यार, बहुत ज्यादा। ये रमजान आता ना तो लोग महंगा कर देते, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। हम लोग एकदम फर्स्ट फर्स्ट से निकलना पड़ रहा है अपने को, हमें भी एकदम ऐसी पतली पतली जगह से निकल रहे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रक है ना, ट्रक के अंदर है ना अलग अलग स्टेट से ना माल लेकर आते लोग और यहाँ मुंबई में आके लोग सेल करते। और ये रहा क्राउड, मेरे को तो लग रहा बारिश आने वाली है, बादल देखो ना। अरे अनानास देखो ना, यहाँ पे भी है लेकिन ये यहाँ से पूरा लेना पड़ेगा लगता है, नहीं वो लोग बेचने के लिए। यहाँ पे कलिंगड़ है लेकिन नहीं बेचेगा जी वाले, इसने बोला था ना सेक्शन में जाने का करके। और यहाँ पे कितने सारे लोग फ्रूट ऐसे फेंक के रखते ना, ऐसे फेंके हुए पड़े हुए रहते हैं लेकिन देते नहीं है, सेल नहीं करते, फेंक डालते। पपैया माल लेके जा रहे हैं लोग बेचने के लिए जी वाला से। हाँ इधर ये पूरा अनानास इधर ही दिख रहे हैं, चल के देखते हैं क्या। लास्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे तो मेरे को पूरा आम दिख रहे हैं ना, लेकिन अनानास वाला दिख नहीं रहा, थक गए यार। नहीं वहाँ पे सब संतरे मौसमी के लिए लग रही है, यहाँ पे अनानास है। अब्बा कुछ बोल रहे, क्या बोल रहे? लास्ट से देखते देखते आगे। अरे आम लेकिन कितने महंगे हैं, आम संतरा और मौसम भी, ये चीज है ना, ये तीन चीज है ना बहुत महंगा है यहाँ पे। ये पूरा ना उसकी लाइन है, आम भी है यहाँ पे, संतरा भी और मौसम भी है। अभी हम लोग पपैया ले रहे हैं, अम्मी पपैया का भाव कर रहे हैं। तो बहुत टाइम के बाद जब से अपन लोग अनानास ढूंढ रहे थे, अब जाके यहाँ पे मिला अनानास। ये पूरा अनानास का है, अम्मी यहाँ पे अनानास के लिए बात कर रहे। कैसे अनानास? 650 रुपए दर्जन, यानी कि 12 अनानास 650 रुपए, बाप रे। ये पूरे अनानास की मार्केट है।
तो रमजान के फ्रूट की शॉपिंग हो गई। अब्बा यहाँ पे पकड़े सामान, मेरे हाथ में भी फ्रूट्स, अम्मी का है, अम्मी के हाथ में भी फ्रूट्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, और घर पे जाने के बाद है ना बताऊंगा मैं कि कौन कौन से फ्रूट्स लिए ऑटो में, और जा रहे हैं घर पे। यहाँ पे अम्मी अब्बा हम लोग एकदम अभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, चाय नहीं मिल रही यहाँ पे। और ये यहाँ का समंदर, अभी चाय के लिए अपने को टपरी देखना पड़ेगा चाय वाली। तो मैं आ चुका हूँ घर पे, और जो मैंने फ्रूट्स लिया ना वो ये सब है। कलिंगड़ लिया, अनानास है यहाँ पे, और इसमें है ये पपैया, और ये है खरबूजा, और इसमें क्या लिए थे, और ये है अंजीर। तो हम लोग ने इतने सारे ले लिए, एक हफ्ते का पूरा सामान। इसको कहाँ रखेंगे? तो इसको मैं बेचूंगा। चल भाई, 50 50 50 50 50 50। अम्मी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 50 में तो खुशी में ले लेंगे। हाँ तो लेकिन अपने को बेचने का थोड़ी है, अनानास बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ वैसे भी अनानास महंगे ही है। आरिश क्या लगाया ब्लूटूथ? देख कितने सारे फ्रूट्स है, मालूम देखा ना मैंने, है ना? कौन लाया रे? अच्छा तेरा एयरपोर्ट, अच्छा तेरा बर्थडे का गिफ्ट है। और अम्मी यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो तुम? हाय गाइस, फ्रूट जमाने के लिए आ जाओ इधर। फ्रूट जमा रहे, अच्छे से जमाओ। पपैया एक साथ में रख दिए, पपैये पूरे एक साथ में आ गए। हाँ। और खरबूजा ये वाला वो रख रही। हाँ तो ये वाले कटोरे में डाल दो। ये नया यहाँ पे चिल्ला रही है। ए आरिश, फ्रूट अभी नहीं चौपने का, रमजान में चौपने का। अभी फिलहाल ये खरबूजा उठा और ये टोकरी में डाल। मस्क में लंड रहे, देख अम्मी उठा के डाल रहे ना। ये अलीन भी आ रही है हेल्प करने। सो रमजान के फ्रूट की शॉपिंग हो गई है, और काफी ज्यादा थक चुका हूँ मैं, क्योंकि सुबह से उठा था। तो वीडियो को भी मैं यहीं एंड करता हूँ। बाय।